आज लातूर येथे स्टीम एज्युकेशन सेंटरला मी भेट दिली आणि नव्याने त्यांनी सुरू केलेल्या उपक्रमालाही भेट दिली. अवघ्या महाराष्ट्रातही असा उपक्रम नाही जो लातूर मराठवाड्यातला वर्ग आहे जो मुंबई पुण्याला जाऊन असं तांत्रिक शिक्षण घेऊ शकत नाही. ते शिक्षण लहानपणीच हे स्कूल इथल्या मराठवाड्यातील लातूरमधील विद्यार्थ्यांना एवढ्या माफक दरात उपलब्ध करून देत आहे हे खरंच कौतुकास्पद आहे. मी या स्टीम एज्युकेशन सेंटरला आणि ह्यांच्या पूर्ण टीमचे प्रथमतः ऋण व्यक्त करतो आणि अभिनंदन करतो की असं सेंटर आणि असे नवीन उपक्रम तुम्ही लातूरमध्ये आणावेत हीच विनंती. अतिशय चांगला एक्सपिरियन्स होता. आजपर्यंतचा मी जे काही एज्युकेशनल लाईफमध्ये एक्सपिरियन्स केलो त्यामधील हा सर्वात उत्तम आणि बेस्ट होता. कारण ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आणि प्रॅक्टिकल लाईफचं जे काही इंटिग्रेटिव्ह रिझल्ट आहे ते आज बघण्याला मिळालं. एकदम म्हणजे आतापर्यंत थिएटर असेल किंवा 2D 3D ऑडिओ असतील कोणतेही मूवीज वगैरे पाहिले असतील अशी इमॅजिनेशन वगैरे कुठेही नाही पाहिलेली होती. एकदम बेस्ट आणि अतिशय चांगला इनिशिएटिव्ह आहे स्टीम एज्युकेशन सेंटरचा. एकदम बेस्ट आहे आणि येणाऱ्या जे काही जनरेशनचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना अतिशय क्युरियस बनवेल अशी प्रणाली. थँक्यू. दिस वॉज द व्हेरी फर्स्ट टाइम व्हेन वी एक्सपिरियन्स द 12D क्रिएटिव्हिटी इन द स्टीम एज्युकेशन. दिस इज अ व्हेरी ग्रेट इनिशिएटिव्ह बाय स्टीम एज्युकेशन. इट वॉज व्हेरी थ्रिल एक्सपिरियन्स. द मोशन वी फील, द ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी वी सॉ, इट वॉज अ व्हेरी ग्रेटफुल एक्सपिरियन्स फॉर अस. थँक यू. ये 12D जो एक्सपीरियंस था आज का बड़ा ही बेहतरीन था. मैंने पहले ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना ही मैंने कभी ऐसे मूवीज़ देखी, बट ऐसा लगा जैसे ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था. जब वो बीम्स बूम कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे मेरी बॉडी को पेस कर रहे हैं. सो इट वॉज काइंड ऑफ वेरी रियलिस्टिक एक्सपीरियंस. मज़ा आया. आई थिंक आज की जो न्यू जनरेशन है उनको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा. थैंक यू. हेलो एवरीवन. आज का जो मैंने एक्सपीरियंस किया 12D मोशन थिएटर का, आज का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. वो 12D इफेक्ट आया, जो मोशन था वो बहुत अच्छे फ्लो में था. आई थिंक सो ये लातूर सिटी में जो एक्सपीरियंस है जो इजीली मिल रहा है तो सबको करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए. थैंक यू. हाँ, लातूर में ये 12D ऐसा पहली बार हुआ और ये मैंने पहली टाइम देखा, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. मतलब वो देखते समय जो फील आया, जो कि वो फील था, वो फील मतलब ऐसा था कि वहाँ रुक कर हम वहाँ ये सब देख रहे हैं, वहाँ ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है ऐसा लग रहा था. तो वो देखते समय मतलब एकदम अलग ही फील आ रहा था. तो उसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो था, मतलब ये अभी के जनरेशन के जितने देख रहे हैं इतने अगर पहले भी मतलब जो ओल्ड है वो भी अगर देखेंगे तो उनके जितना ही उन्हें इसमें मज़ा आएगा, जो कि उन्हें भी देखना चाहिए. थैंक यू. आज का जो ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मुझे इतना मतलब फील जस्ट फील लाइक मैं उधर ही हूँ. और जैसे जैसे वो मोशन हो रहा था वैसे लग रहा था मैं भी खुद मोशन में हूँ. और अभी तक मुझे ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ. इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड बेस्ट एक्सपीरियंस. और ये बहुत अच्छा है मतलब न्यू जनरेशन के लिए और मतलब क्यूरियसिटी जो बच्चे ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व है और ऐसा मोशन गेम जिसे पसंद है उसके लिए ये बहुत क्यूरियसिटी होने वाला है. और ये बहुत अच्छा है स्टीम एजुकेशन सेंटर फर्स्ट टाइम इन लातूर. थैंक यू. हेलो एवरीवन. आई एम मिसेस पाठक, प्रिंसिपल ऑफ स्टीम एजुकेशन प्री स्कूल. एंड टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एट द 12D थिएटर व्हिच वी हैव क्रिएटेड हियर इन आवर स्कूल प्रीमाइसेस. एंड इट वाज अ वेरी एक्सेलेंट एक्सपीरियंस विद ऑल द स्नो फॉलिंग कमिंग ऑन माय फिंगर टिप्स एंड द रेन फॉलिंग ऑन आवर हेड. And also our children also enjoyed because we all sat together and saw the show. Even we were very surprised to see that all the spiders were just coming to our face. And on the whole, it was a very magical and a very good experience. Thank you.